हेलो फियर्स वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एवोपरेटर ओपन पैन एवोपरेटर उसकी वर्किंग कंस्ट्रक्शन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में सो so, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर टाइप्स ऑफ एवोपरेटर से दो तरह के एवोपरेटर हम जनरली इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं एक होता है नेचुरल सर्कुलेशन एवोपरेटर एंड द सेकेंड वन इज पोर सर्कुलेशन एवोपरेटर नेचुरल सर्कुलेशन एवोप्रेटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एवोप्रेशन होता है वो डेंसिटी डिफरेंस के बेस से होता है जैसे कि हमने नेचुरल कन्वेक्शन में पड़ा हुआ था वहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र डेंसिटी डिफरेंस के बेसिस पे होता था लिक्विड जो हमारा बॉटम में था वो हमारा हीट गेन करने के बाद लाइट हो जाता है और सरफेस की तरफ को क्या करता है मूव करने लग जाता है और जो हमारा डेंस लिक्विड होता है सरफेस पे वो हमारा हमारा बॉटम की तरफ को मूव करता है और हीट गेन करने के बाद लाइट होके हमारा सरफेस की तरफ को चले जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता था हमारे डेंसिटी डिफरेंस के बेसिस पर हीट का ट्रांसफ़र होता था सेम नेचुरल कन्वेक्शन सर्कुलेशन एवोपरेटर के अंदर भी क्या होता है हमारा जो हीट यहाँ पे एवोप्रेशन होता है वो डेंसिटी डिफरेंस के बेसिस पे ही होता है अगर हम बात करें फोर्थ सर्कुलेशन एवोपरेटर की तो फोर्थ सर्कुलेशन एवोपरेटर के अंदर क्या होता है जो हीट यहाँ पे एवोप्रेशन होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं पंप का यूज़ करते हैं जिसकी जिसकी वजह से क्या होता है उसका जो सर्कुलेशन रेट है वो क्या हो जाता है हाई हो जाता है पंप का यूज़ करने के बाद जैसे कि हम सर्कुलेशन कन्वेक्शन के अंदर एजिटेटर का यूज करते थे जिससे हमारा जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर था वो हमारा इंक्रीज हो जाता था सो नेचुरल सर्कुलेशन एवोपरेटर और फोर्स सर्कुलेशन एवोपरेटर की अगर हम बात करें तो नेचुरल सर्कुलेशन एवोपरेटर क्या होता है नेचुरल सर्कुलेशन इवोपरेटर्स आर बेस्ड ऑन दी नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट कॉज बाई दी डेंसिटी डिफरेंस दैट अराइज फ्रॉम हीटिंग नेचुरल सर्कुलेटिंग एवोपरेटर आर कॉमनली यूज फॉर सिम्पलर एवोप्रेशन ऑपरेशन सिंगली और इन मल्टी इफेक्ट एग्जाम्पल हॉरिजेंटल ट्यूब एवोपरेटर वर्टिकल ट्यूब एवोपरेटर और नेचुरल सर्कुलेशन एवोपरेटर जो होता है उसकी कॉस्ट एज कम्पेयर टू फोर्स सर्कुलेशन एवोपरेटर क्या होती है कम होती है क्योंकि यहाँ पे किसी पंप का यूज़ या एक्सटर्नल हीटिंग का यूज़ हम नहीं करते नेक्स्ट है फोर्स सर्कुलेशन एवोपरेटर तो यहाँ पे द फोर्स सर्कुलेशन एवोपरेटर इन्वॉल्व अ नॉन कॉन्टेक्ट हीट एक्सचेंचर वेयर लिक्विड फीड सर्कुलेटेड एट हाई रेट्स एक्सल फ्लो पंप आर जनरली टू जनजेन हाई सर्कुलेटिंग रेट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा नेचुरल सर्कुलेशन इवोपरेटर एंड फोर सर्कुलेशन इवोपरेटर क्या होता है नाउ अब हम बात करते हैं ओपन पैन इवोपरेटर की ओपन पैन इवोपरेटर का यूज हम वहाँ पर करते हैं जहां पर हमें इवोपरेशन करना होता है स्मॉल क्वांटिटी में अभी हम क्या करते हैं ओपन पैन इवोपरेटर का यूज़ करते हैं अब हम बात करते हैं ओपन पैन इवोपरेटर की कंस्ट्रक्शन के बारे में सो so, कंस्ट्रक्शन में क्या होता है हमारे पास एक पैन होता है उस पैन में जैकेट लगी हुई होती है बाहर से और उस जैकेट में हमें इनलेट दिया हुआ होता है स्टीम को फीड करने के लिए और जो हमारे पास इवोप्रेशन के बाद जो सॉल्यूट का सॉलिविन का हमारे पास कंडेंसेट बचता है उसे आउटलेट करने के लिए उसके बॉटम में हमें आउटलेट दिया हुआ होता है जो भी प्रोडक्ट हमारे पास बनता है पैन के बॉटम में उसको ड्रेन करने के लिए हमारे पास आउटलेट दिया गया होता है और हमारी पैन होती है वो बनी हुई होती है माइल्ड स्टील से स्टेनलेस uh, स्टील से एलुमिनियम से कॉपर से ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा सॉल्यूशन इसके अंदर हैंडल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं और जो जैकेट होती है उसको ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं वहाँ पे माइल्ड uh, स्टील का उसको बनाने के लिए सो पैन इज़ मेड अप ऑफ सिंगल सीट ऑफ मेटल और सेवरल सीट्स जॉइन बाई वेल्डिंग ब्रेजिंग यानी कि जो पैन होता है वो हमारी सिंगल सीट मेटल से बना हुआ होता है या फिर बहुत सारी सीट्स को हम वेल्डिंग करके इसको बनाते हैं और जैकेट इज वेल्डेड टू द पैन जो जैकेट होती है वो हमारी पैन पे लगी हुई होती है द तो जैकेट इज प्रोवाइडेड विद अ स्टील इनलेट एट दॉप टॉप टॉप पे इसका स्टील इनलेट होता है वाइल कंड ड्रेन इज प्रोवाइडेड एट द इट्स बॉटम और इसको कंडेंसिड जो भी मिलता है हमें वो हम क्या करते हैं बॉटम से बॉटम बेस का प्रोवाइड होता है कंडेंसेट आउटलेट करने के लिए द पैन इज़ प्रोवाइडेड विद एन आउटलेट एट द बॉटम फॉर ड्रेनिंग इट्स कंटेंट्स जो भी हमें प्रोडक्ट मिलता है उसे आउट करने के लिए उसे ड्रेन करने के लिए हमें बॉटम में आउटलेट दिया गया होता है द जैकेट इज़ यूजअली कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ माइल स्टील जो जैकेट होती है हमारी वो माइल स्टील से बनी हुई होती है और जो पैन होता है हमारे ये डिपेंड करता है उसके सॉल्यूशन पे जो भी हम उसके अंदर हैंडल कर रहे होते हैं वो हमारी माइल स्टील से स्टेनलेस स्टील से कॉपर से अलूमिनियम से पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनी हुई होती है नाउ अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की तो अब वर्किंग की अगर हम बात करें तो स्पैन पैन के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे जो भी सॉल्यूशन हमें कंसंट्रेट करना है उसे हम क्या करते हैं पैन के अंदर फीड करते हैं पैन के अंदर उस सॉल्यूशन को फीड करने के बाद हम इसको स्टीम प्रोवाइड करते हैं जैकेट इनलेट के थ्रू स्टीम दिया जाता है और स्टीम गेन करने के बाद ये जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होगा हीट गेन करेगा उसके बाद उसका टेम्परेचर राइज होगा और बॉइलिंग पॉइंट गेन करने के बाद क्या हो जाएगा वो जो भी सॉलीवेंट है हमारा वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वेपर यहाँ से आउट हो जाएगी बाकी जा, जो हमारे पास सॉलीवेंट का कंडेंसेट बचा हुआ होगा वो हमारा उस जैकेट के आउटलेट से बॉटम से क्या हो जाएगा हमारा आउट हो जाएगा ना जो भी कंसनट्रेट फॉर्म में हमें प्रोडक्ट मिलता है उसे हम क्या करते हैं उस पैन के बॉटम से आउट कर देते हैं गेन कर लेते और यहाँ पे जो प्रोसेस होती है वो हमारी क्या होती है एक फिक्स टाइम के लिए होती है यानी कि हम फिक्स टाइम के लिए जितना भी मटेरियल हमने इसके अंदर डाला हुआ है फिक्स अमाउंट पे हम इसके अंदर मटेरियल डालते हैं और फिक्स अमाउंट ऑफ स्टीम इसमें फिट करते हैं यानी कि फ़िक्स अमाउंट टाइम के लिए हम क्या करते हैं ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं और फिर दोबारा से आउटलेट पूरा गेन करने के बाद जब प्रोसेस हमारी पूरी कंप्लीट हो जाती है सेकेंडली हम क्या करते हैं उसके बाद दोबारा से उसके अंदर क्या करेंगे फीड करेंगे स्टीम को सॉल्यूशन को और दोबारा से जो प्रोसेस हो है, हमारी ये स्टार्ट हो जाएगी नाउ वर्किंग में द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन अ सॉल्यूशन मेक जस्ट अ जैकेट पैंट सच अ टाइप ऑफ इवोपरेटर इज पर्टिकुलरली सुटेबल वैन स्मॉल क्वांटिटी टू बी हैंडल इन एन ओपन जैकेटेड पैन इवोपरेटर कंडेन्सिंग स्टीम इज फेट टू द जैकेट फॉर एवोपरेटिंग अ पार्ट ऑफ द सॉलिवेंट द सोल्यूशन टू बी कंसलटेट इज टेकन इन टू दैन एंड स्टीम इज एडमिटेड इन द जैकेट इवोपरेशन इज कैरीड आउट फॉर अटरमाइन टाइम टू अचीव अ डिजायर्ड कंसल्टेशन लेवल द थिंग लिगर इज देन ड्रेन आउट फ्रॉम द आउटलेट आई होप आपको समझ में आ गया होगा ओपन पैन इवोपरेटर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है उसका वर्किंग कैसे होता है अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज क्या है और इसके डिसएडवाटेजेस क्या है सो so, ओपन पैन इवोपरेटर की एडवांटेजेस दे आर सिंपल इजी एंड चीप टू कंस्ट्रक्ट जो हमारा ओपन पैन इवोपरेटर होता है वो हमारा इजीली कंस्ट्रक्ट हो सकता है सिंपल होता है और ये सस्ता होता है ठीक है इसको बनाने में भी ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है दे आर ईजी टू यूज़ एंड क्लीन हम इसे ईजीली क्लीन कर सकते हैं यहाँ पे इजीली इसका यूज़ किया जा सकता है स्टिरिंग ऑफ एवोपरेटिंग लिक्विड्स कैन बी डन इजीली और इसकी जो स्टिरिंग होती है वो भी हम क्या कर सकते हैं एवोपरेटिंग लिक्विड्स की इजीली कर सकते हैं नाउ इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं यहाँ पे लेबर कॉस्ट ज़्यादा होती है क्योंकि हमें प्री डिटरमाइंड टाइम के लिए इसमें सॉल्यूशन को फीड करना पड़ता है स्टीम को फीड करना पड़ता है बाद में जो भी हमारे पास मटेरियल बनता है उसे हम निकाल देंगे फिर दोबारा से हमें फीड करना पड़ता है तो फिर लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है इसको क्लीनिंग करने के लिए लेबर चाहिए होंगे सो वर्किंग फॉर अ प्री डिटरमाइंड टाइम यहाँ पे कुछ ही टाइम के लिए वर्किंग कर सकते हैं यानी कि एक प्री डिटरमाइंड टाइम के लिए हम क्या करेंगे उसको हैंडल करेंगे फिर दोबारा से उसको पूरी प्रोसेस को बंद करने के बाद फिर से दोबारा से उसे हैंडल करना पड़ेगा नाउ द होल ऑफ़ द लिक्विड इज हीटेड ऑल द टाइम अब यहाँ पे से जो हमें वाटर जो वेपर हमारा आउट हुआ जब हमारा वेपर आउट हो रहा है तो उस वेपर को आउट करने के बाद क्या हुआ वो वेपर हमारी किसी यूज में तो आई नहीं है हमें दोबारा से इसके अंदर स्टीम फीड करना पड़ेगा तो यहाँ पे जो हीट हम देंगे उस स्टीम को बनाने के लिए तो उससे क्या होगा हमारा जो पैन होगा वो क्या हो जाएगा डिकम्पोज हो जाएगा द होल ऑफ़ द द होल ऑफ़ द लिक्विड इज हीटेड ऑल द टाइम विच मे लीड टू डिकम्पोजिशन ऑफ द कंपोनेट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा ओपन पैन एव ऑपरेटिड कंस्ट्रक्शन वर्किंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड थैंक यू